एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही का सबूत देश के सामने रख दिया है। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उसका सबूत उन्होंने देश के सामने रख दिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने एक फर्जी मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चुनाव में प्रचार ना कर सके। यह सिर्फ तानाशाही सरकारों में होता है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं। तानाशाही सरकारों में यह भी दूसरा लक्षण होता है कि विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है, और आज यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके आचार संहिता के दौरान विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, उससे उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी उसको गाने में लिख देती है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत आपत्ति है। वो कहते हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे, ये रूलिंग पार्टी को और एजेंसीज को बहुत पुअर लाइट में दिखाता है। आप सीबीआई के हेड को नहीं बदलेंगे, आप ईडी के डायरेक्टर को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे, आप इनकम टैक्स के डायरेक्टर को, अध्यक्ष को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे, उनके विपक्ष पर हमले को नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कोई प्रचार में कह दे कि झूठी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो ईसीआई को उससे ऑब्जेक्शन है। जब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन चलती है, जब भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके जो विपक्ष के नेता जाते हैं, उनके ईडी के, सीबीआई के, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस बंद हो जाते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में कैंपेन सॉन्ग में जिक्र हो जाता है तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपत्ति जताता है। कहता है कि ये बात तो अपने कैंपेन में, प्रचार में इस्तेमाल करना गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करे वो सही है, उस तानाशाही के बारे में कोई प्रचार करे वो गलत है। और सबसे मजेदार बात, आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग जेल का जवाब वोट से देंगे, उस पूरे गाने में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आप तानाशाही की बात करते हैं, दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द रूलिंग पार्टी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद मानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही चला रही है, तानाशाही के किसी भी विरोध को वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध मान रहे हैं, तानाशाही की किसी भी बात को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मान रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरह एक तानाशाही के लक्षण दिखा रही है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील किया, और जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोका जा रहा है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बना दिया है।